बहुत मज़ा आ रहा है आज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आज के ब्लॉग में आपको। आज का ब्लॉग ज़बरदस्त है और आज एक इम्पॉर्टेंट दिन भी है, ईद की मुनासबत से आज आखिरी रोज़ा है और कल इंशाल्लाह कंफर्म ईद है, क्योंकि कल चांद नज़र नहीं आया तो आज यकीनी तौर पर चांद नज़र आएगा और यकीनी तौर पर कल ईद भी है। ठीक है, तो तैयारी हमारी मुकम्मल है। आज धूप जो है बिल्कुल निकली हुई है और सख्त धूप है, आखिरी रमज़ान है और तैयारियां साथ में चल रही हैं और कुछ हो चुकी हैं, तो बस अब इंतज़ार है कि कल ईद में जो प्लान किया है या करना है दोस्तों के साथ फैमिली के साथ वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। बाकी हमारे घर में अभी क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, ये सारा कुछ आप इसी ब्लॉग में देखेंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है आज इस दिन का, अपना ही मज़ा होता है कि ईद में एक दिन रह गया हो और आपकी तैयारी भी हो रही हो, साथ में रोज़ा भी लग रहा हो, ठीक है, अफ्तारी की तैयारी भी हो रही हो क्योंकि आखिरी तो अफ्तारी होती है, तो इस लिहाज से जो कुछ इंतज़ाम स्पेशल होते हैं, लास्ट रमज़ान है, रमज़ान का ज़ाहिर मिस करता है बंदा, आखिरी रमज़ान है, तो आने वाले रमज़ान के लिए दुआ करता है कि इसके बाद भी आने वाले रमज़ान अल्लाह ताला हमें नसीब करें और इस दुआ के साथ कि आप सबके रोज़े भी अल्लाह ताला कबूल करें, आपकी इबादत आपकी नेकियां अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल हो मकबूल फरमाए और आइंदा रमज़ान एक बार फिर ज़िंदगी में हमें नसीब फरमाए। एक छोटा सा बगीचा है जो हमने बनाया हुआ है, अभी रमज़ान में हमने सारा सब्ज़ी और धनिया मिर्च यहाँ से ही सारा कुछ लिया है, अपने जो छोटा सा बाग बना हुआ है तो इसने बहुत हेल्प की है रमज़ान में हमारी। ईद की तैयारी तकरीबन हमारी मुकम्मल हो गई है, तकरीबन आज भी बाज़ार जाना है, ठीक है, और आधी फैमिली हमारी गई हुई है बाज़ार, तो बाकी जो ड्रेस वगैरह हैं वो तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ खाने पीने की शॉपिंग है कल नाश्ते में और दिन में उसकी थोड़ी सी जो है ना शॉपिंग रहती थी, तो वो अभी आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी सादा सी ज़िंदगी होती है, सादा से घर, या हमारे पीछे आप देखते हैं ये हमारा घर है, ठीक है, गांव की सादा ज़िंदगी होती है और हमारे यहाँ ईद कैसे गुजारी जाती है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। और आपके हाँ ईद कैसे गुजरती है, ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कैसे गुजरता है वो भी आप भी हमारे साथ शेयर करें और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ब्लॉग के ज़रिए शेयर करूँगा। बाकी आने वाले ब्लॉग्स में बाकी और भी सरप्राइजेज़ होंगे तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अपडेट्स के लिए, बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा
अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हमारी हमारे चैनल से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ईद पे इंशाल्लाह ईद आपके साथ मनाएंगे ब्लॉग के ज़रिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपने दोस्तों का। आपको एडवांस में हमारी तरफ से ईद मुबारक।